हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शूज सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि शूज को कैसे सिलेक्ट करना है और शूज के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये बताएं कि शूज को कैसे सिलेक्ट करें, कौन सी रेस में कौन सा शू पहनना चाहिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी सारे शूज की वेराइटी जो तो मार्केट में अवेलेबल है। ओके, ये एक वेराइटी ऑफ शूज दिखा रहा हूँ मैं आपको जो मार्केट में अच्छे ब्रांड में माने जाते हैं। ये आपका पहला वाला शू इज कैरीमोर शूज का है। नेक्स्ट इज एडिडास, उसके बाद एसिस, वाइल्ड क्राफ्ट और कुछ इनर्स जो जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, मैं एक नॉर्मल शू से स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो ये ब्रांड का शू है, पर मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा कि आपको शू में क्या देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है जो इसकी सोल है, ये सोल कितनी सॉफ्ट है। जब आप पाँव ज़मीन पे रख रहे हैं तो क्या आपका ये फ्रंट पोर्शन, आपका जो बॉल ऑफ द फीट है ये वाला पोर्शन है, यहाँ से इसको लचकपन मिल रहा है कि नहीं। आपका ये लचकपन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपका ये लचकपन यहाँ पे होना चाहिए बॉल ऑफ द फीट पे। तो पहला आपको सबसे पहले ये चेक करना है। दूसरा आपको ये चेक करना है कि जो ये शू है इसका आर्च सपोर्ट कहाँ पर है। आर्च सपोर्ट माने तो आपका जो जूते का जो आपके पाँव का आर्च है उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। तो आपको इसको बाहर से देखकर कभी भी जज नहीं करना है कि आर्च सपोर्ट है कि नहीं। कि बाहर से अगर आप देखोगे तो शूज़ जनरली ऐसे शेप में डिज़ाइन में बनाए जाते हैं, पर उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आर्च सपोर्ट हो। तो आपको अंदर हाथ डाल के चेक करना है कि आपका साइड से उठ रहा है कि नहीं। बेसिकली मैं अगर आपको ये दिखाऊं, जैसे ये एक एसिस का इनर है, इस एसिस के इनर में अगर आप अंदर की तरफ होइए और हाथ डालें तो आपको महसूस होगा कि ये साइड ऊपर आ रही है, यहाँ पर मेरे पाँव का आर्च आता है, तो यहाँ मुझे आर्च सपोर्ट मिल रही है। तो आपको ये चेक करना है कि आर्च सपोर्ट अंदर से है कि नहीं, बाहर के डिज़ाइन के ऊपर नहीं जाना है। इसके अलावा आपने ये चेक करना है कि जो शू की लचकपन है वो ऐसे में कैसी है। ये ऐसे में आपके शू की लचकपन नहीं होनी चाहिए, आपका शू ऐसे पूरा टर्न होकर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल हिला भी ना सको। जैसे कि ये एक ब्रांड है, अब इसका अगर आप लचकपन करेंगे, ये देखो ये कैसे लचक कर रहा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर रनिंग, ये रनिंग के लिए ठीक नहीं है, ये रनिंग के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ करके देखूँ तो ये देखो, ये उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा और इसकी जो सोल है वो कहाँ से टर्न कर रही है, उसकी कहाँ से कर रही थी और इसकी कहाँ से कर रही है। तो ये सब टेक्निकली बनाए जाते हैं। ये बेसिकली जो अच्छे ब्रांड के शूज़ हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, इनमें एसिस, एडिडास, इनके अच्छे मिल जाएंगे। वाइल्ड क्राफ्ट जो जूते बना रहा है वो जूते बेसिकली वाइल्ड क्राफ्ट जो बना रहा है वो बेसिकली रनिंग एंड एथलेटिक्स के लिए नहीं बना रहा। ऑल दो शूज़ ड्यूरेबल हैं पर वो उतने अच्छे रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसके अलावा और आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको बेसिकली जो देखना है वो ये आइटम देखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये कि जो शू है इसके अंदर आप प्रेस करके देखेंगे आपको कि आपका कितना सॉफ्ट है और आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, कुशनिंग मिल रही है कि नहीं। ये कुशनिंग बेसिकली आपको हील पे मिलनी चाहिए, ठीक है। ये कुशनिंग बहुत ज़रूरी है और कुशनिंग के आजकल बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं। कुशनिंग का एक फॉर्म आ गया है जिसमें आप मेमोरी फोम वाला आ गया है, देन उसमें जेल वाला आ गया है, जेल मेमोरी फोम, नॉर्मल फोम, ऐसे बहुत सारी वैरायटी आती है। शू की जो लाइफ है वो हम लोग सोल और कुशनिंग से डिसाइड करते हैं। अगर आपको लगे कि शू की कुशनिंग चली गई है या बैठ गया है रनिंग करते करते, तो आपको वो तुरंत चेंज करना चाहिए। ये जो इनर सोल्स होते हैं, इन इनर सोल्स के अंदर इनकी कुशनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस जो होती है इनकी वो कम होती जाती है। इसको कम होने के कारण हमारी कुशनिंग चली जाती है। अब हो सकता है कि हम ऐसा कोई ब्रांड खरीदें मार्केट से जो ब्रांड में हमारे पास पैसे नहीं है या हम ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहते हैं, तो हमने ऐसा ब्रांड खरीदा जो सस्ता ब्रांड है। अब उस सस्ते ब्रांड में हो सकता है आपको सोल के अंदर तो लचकपन मिल जाए, सोल के अंदर तो मिल जाए, लेकिन आपको आर्च सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुशनिंग नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक शू दिखाता हूँ मैं आपको। ये नॉर्मल शू है जिसका इनर जो है वो समय से पहले ख़राब हो गया था। ख़राब होने के बाद हमने मार्केट से एक इनर ख़रीदा। ये स्पेशल इनर्स आते हैं जिसमें आर्च सपोर्ट, आर्च लैंडिंग के लिए बना हुआ है और एक्स्ट्रा कुशनिंग दी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने उसका नॉर्मल निकाल दिया इनर और ये वाला सोल। अब ये जो मार्केट प्राइस है जो इसका वो अराउंड 1200 रुपये है, और इस 1200 रुपये में जो है आपका एक जूता जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना अपनी ज़िंदगी जी सकता है। प्लस आप सस्ता जूता खरीद कर ऐसा चीज़ें डालकर अपने आप को उन बेस्ट जूते में
से कंपेयर कर सकते हैं। द ओनली थिंग जो आपको कंसिडर करनी है वो ये कि जो भी आप सस्ता भी जूता खरीदें उसकी सोल जो है उसमें रजकपन कहाँ पर है और वो कितना ट्विस्ट हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वो उसकी जो लचकतापन है वो भी बढ़ जाएगा, सोल घिस जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि शू की अभी लाइफ खत्म हो चुकी है। ये बेसिक सिलेक्शन ऑफ शूज़ है। इसके अलावा जो शूज़ सिलेक्ट किए जाते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं प्रोनेशन को देखकर, आपका पाँव कैसे पड़ रहा है। प्रोनेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। शू के सिलेक्शन के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।